ये देखो गैस, ये सब्जी वाली भी आंटी भी है और ये रोज आधी रात को चिल्ला रही है सब्जी ले लो सब्जी। 1 बजे क्या कर रहे हो भाई? रुद्र के बर्थडे की तैयारी स्टार्ट हो गई है। सो मैं ये रिटर्न गिफ्ट्स में देने के लिए छोटे बच्चे जितने भी आएंगे उनके लिए मैं एक एक रैपर बना रही हूँ, जिसमें मैंने 5 तरह की चीज़ें ली है, 5 तरह की। सो मैंने ये लिया, ये लिया, ये लिया है, ये भी लिया है एंड ये लिया है। तो ये मैंने इतने कर लिए। सो मैं 15-20 सोच रही हूँ बना लूँ, पैकिंग कर लूँ। सो लगी हुई हूँ। सही है गाइस, देखो बहुत सारे पैक कर लिए हैं इसमें, जैसे कि आप लोग भी देख पा रहे होंगे। बेचारी अकेले लगी हुई है, मेहनती ये तो ये सामान आया, बाहर गए थे तो ये सब नमकीन आई। वैसे मैं सोच रही थी 2-4 दिन रह जाएगा तो ठीक है, रुद्र के बर्थडे के दिन के लिए रख लेती हूँ, बट ये रात रात में गायब होने वाली सामान है। सो ये सब लेके आए थे। अब मैं इन सबको अच्छे से यहाँ पे सेटिंग कर दूँगी, मतलब अच्छे से रख दूँगी। एंड इसके अलावा यहाँ पे मम्मी आज अपने लिए कुछ ब्यूटी प्रोडक्ट्स ले आई है, जो कि ये है एक बीबी क्रीम है, 7-in-1 है, बहुत ही प्यारी है और मुझे बहुत पसंद आई। सो अब मुझे भी ये लेना ही पड़ेगी, मैंने अभी तक ट्राई नहीं की थी बट अब ट्राई करूँगी। एंड एक मम्मी ये काजल लेके आई है एंड देख सकते हैं यार कितनी प्रीमियम क्वालिटी के ले आई मम्मी इस बार। एंड मम्मा को मैंने ये सजेस्ट किया था लास्ट टाइम एंड मम्मी ये यूज़ करके मम्मी काफ़ी खुश है। सो मम्मी दोबारा से यही क्रीम लेके आई है। सो ये चीज़ें मम्मी अपने लिए लेके आई है। माँ मनसा देवी गए थे तो ये सब प्रसाद मिला है, यहाँ पे फूल है, फूल की माला मिली थी, माँ का दिया हुआ प्रसाद है, सब में बांटेंगे, नारियल मिला है, सो श्रृंगार का सामान मिला है। इसके अलावा चुन्नियाँ वगैरह मिली थी, वो ऊपर मंदिर में रख के आ गए हैं। एंड वहाँ के प्रसाद के रूप में ये लड्डू लेके आए, जो कि वहाँ के लड्डू बेसन के लड्डू पर्सनली फेवरेट है, पीयू के भी, मेरे भी बहुत टेस्टी होते हैं क्योंकि माँ का आशीर्वाद होता है माँ मनसा देवी का। वो सामान आ गया राशन का सारा, आज मैं ये सारा चीज़ रुद्र का बर्थडे आ रहा है ऑब्वियसली, सो जो भी ज़रूरत का सामान था आ गया। अब मैं इसको लगा दूंगी अच्छे से इनमें सजा के। एंड पहले वाली मैंने अभी खाली करके रख दिया एंड कुछ यहाँ रख दिया, सो काफ़ी टाइम लगने वाला है, पर करते हैं स्टार्ट फटाफट से, सामान अच्छे से रख लेते हैं, देन उसके बाद थोड़ा बहुत फ्री हो जाऊंगी, जल्दी जल्दी करूंगी। सामान लगा रही थी तो मुझे लगा सामान कुछ कम निकल रहा है, सो देखा तो यहाँ पे भी पापा ने कुछ सामान रखा हुआ है, सो मैं ये भी सेट कर देती हूँ। सो ये देखिए इतना सामान इसमें पड़ा हुआ था, ये सब क्योंकि राशन की लिस्ट ऑब्वियसली मैं ही बनाती हूँ। सो मुझे मैंने देखा तो यार सामान तो अब कम आया है, तो देखा तो इसमें था, सो इनको भी सेट कर देते हैं। मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया है। सो मैंने लगाना इस तरह से स्टार्ट किया है कि मैं यहाँ पे रखूँगी खाने पीने वाले सामान, जो हम लोग शाम के टाइम प्रेफर करते हैं खाना। सो यहाँ पे मैं राशन का रख दूँगी एंड नीचे मैं दाल दूर रख दूँगी। सो बाकी देखते हैं जैसे सेट होगा। हम लोग आ गए थे रुद्र के लिए नाइट के लिए ड्रेस देखने के लिए, सो हमने पहले तैयारी नहीं की, सो अभी देखा तो पता लगा यार अभी नाइट के लिए तो कुछ लिया ही नहीं, सो यहाँ देख रहे थे। सो हमें सिंपली लेना था नाइट के लिए, ये क्यूट लग रहा था बट देखते कौन सा डन करेंगे। वो कुछ खास नहीं लगे तो हम लोग यहाँ दूसरी शॉप पे आ गए एंड यहाँ पे देख रहे थे तो ये भी याद दिखा रहे हैं। एंड यहाँ पे काफ़ी बड़ी शॉप है, सो हमें लगा मे भी यहाँ पे सब देखने के बाद हमने इनमें से कुछ चूज़ किया। सो डन करते हैं, हम चलते हैं। बाकी काम होने के बाद हम लोग यहाँ आ गए मोमोज खाने। मोमोज के बाद हमने मंगाया पनीर टिक्का। यहाँ पे पनीर टिक्का बहुत ही टेस्टी बनाते हैं, क्योंकि किस लिए मैं आप लोग को बताती हूँ, यहाँ पे पनीर टिक्का टेस्टी इसलिए बनता है क्योंकि यहाँ पे इसमें तंदूर में डाल के पनीर टिक्का को पकाया जाता है एंड इस वजह से बहुत ही टेस्टी बनता है। यहाँ का पनीर टिक्का मुझे बहुत पसंद है गाइस। तो मम्मी तो पहले ही स्टार्ट हो गए, मैं बोलूँ मेरे लिए खत्म ना हो जाए, क्योंकि यहाँ बर्थडे की तैयारी हो गई है। एंड ये देखो ये दोनों बंदर दोनों के दोनों हरिद्वार से आए, बहुत दूर से, पर यार अच्छा लगा कि रुद्र के बर्थडे में दोनों इतने दूर से स्पेशली रुद्र को के बर्थडे में आ गए। नहीं नहीं कपड़े तो पहने हुए हैं, बेशक उतारने उतार लो, कोई ना चेंज कर सकते हो दोनों के दोनों। यहाँ पे बज रहे थे रात के 1:30 एंड हम लोग ने खाना खुना खा के बहुत सारी मस्ती की, काफी रात भी हो गई है एंड आज है 3 तारीख एंड रुद्र का बर्थडे है 5 को। सो ये दोनों 2 दिन पहले आ गए थे हम लोग के साथ थोड़ा बहुत फन मस्ती करने के लिए एंड थोड़ा बहुत काम कराने के लिए, अब पता नहीं करवाएंगे या नहीं, बट इन दोनों ने कहा है कि हाँ कर लेंगे। सो साथ में चीनू आते आते मिली कुछ गिफ्ट भी आई थी और ये स्पेशली देखो देखो इतनी रात को 1:30 बजे क्या क्या लेके आई है, चीनू दिखाओ एक बारी। ऑब्वियसली मैं ट्रैवलिंग करके आ रही हूं, हां तो क्या क्या लेके आई है वो दिखाओ ना व्लॉग में एक बारी। तो एक ये सेट है एंड मुझे बहुत पसंद आया गाइस, एंड इस तरह का मैंने मेरे पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं है एंड मुझे बहुत ही प्यारा लगा एंड पसंद भी आया। एंड नेक्स्ट ये है नकली डायमंड यार, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं।
सो प्रीटी लग रहा है एंड इसको मैं पहन के किसी ना किसी उसमें पहन के आप लोग को जरूर दिखाऊंगी। सो बहुत ही प्यारा है एंड इसके अलावा एक गरम टॉप भी लेके आई है चिनू मेरे लिए। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत पसंद आई सारी चीजें। गाइस फाइनली हमारे रुद्र का बर्थडे आ गया है एंड रुद्र का बर्थडे वैसे कल है, सो आज हो रही है बर्थडे की पूरी तैयारी। सो बर्थडे की तैयारी होनी है तो ऑब्वियसली हम लोग निकले होंगे बाहर, जो भी जरूरत का सामान होगा वो सब लेने। सो हमारे पास यहाँ से आप लोग को पता ही है देहरादून से मेरी फ्रेंड आई है चीनू, साथ में अमन आया है, साथ में पीयू है, हम चारों मिलके जा रहे हैं। जो भी सामान होगा वो ले आएंगे, बाकी जो कल फ्रेश आने वाली चीजें होगी वो कल ही आएगी। बाकी मेन मेन काम कर लेते हैं क्योंकि कल टाइम मिले ना मिले मतलब कि समय लग नहीं सकता क्योंकि गेस्ट भी होंगे ऑब्वियसली, तैयारी देखना तो सब पड़ेगा ही ना ऑब्वियसली यार। सो चलिए निकलते हैं एंड आप लोग के साथ सब शेयर करूंगी मैं। यहाँ पे हम लोग ने पेट्रोल जैसे ही भरा, सो यहाँ हमें सुनने में आया कि यहाँ पे कुछ स्क्रैच ठीक करने का डेमो दे रहे थे, हमने बोला चलिए डेमो ले लेते हैं। सो पीओ को मैंने जबरदस्ती रोका है एंड ये यहाँ पे लगा हुआ है, आई डोंट नो क्या है, आप लोग खुद पढ़ लेना, फ्री डेमो कैंप। ओके फ्री डेमो कैंप, सो हमने देखा कि क्या डेमो दे रहे हैं, देखते हैं। सो यहाँ पे पीयू डेमो ले रहे हैं, ठीक है, उसको हल्का करने के लिए। उसके बाद ये लिया और एक फिंगर के प्रेशर से रफ किया, गाइस ये देखिए पूरी तरह स्क्रैच गायब कर दिया जो यहाँ पे लगा हुआ था, ये तो अभी स्क्रैच नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे इससे क्लीन करने का भी है, सो ये सारे चीज़ अभी इन्होंने हमें डेमो दिया है एंड यहाँ पे सबसे अच्छी चीज़ जो लगी मुझे ये देखिए ग्लास पे इन्होंने थोड़ा सा यहाँ डेमो दिखाया एंड ये देखिए मैं कुछ मर्जी करूँ तो यहाँ पे कोई निशान नहीं बन रहा, अदरवाइज मैं यहाँ पे कुछ करूँगी तो थोड़ी देर में उंगली के निशान हो जाएंगे बट यहाँ कुछ नहीं हो रहा। सो अच्छी चीज़ है, देखते अब कितने का है। सबसे पहले हम यहाँ आए एंड यहाँ पे चीनू रुद्र के लिए ड्रेस देख रहे थे, देखो कोई पसंद आता है तो यहाँ से लेते हैं। इतने सारे कपड़े निकालने के बाद सो फाइनली सिलेक्ट हुआ, डन हो गया। सो चीनू वहाँ पे इसको डन करवा रही है, सो अब यहाँ से चलते हैं एंड हमारे यहाँ अमन भाई फ़ोन में बिजी है, पीयूष हमारे फ़ोन में बिजी है, मैं व्लॉग बनाने में बिजी हूँ, चीनू ने अकेले काम किया। हम लोग आ गए थे बच्चे की टॉयज़ की शॉप पे एंड हमने यहाँ पे देखा बहुत बड़ी टॉय शॉप थी एंड बहुत अच्छी अच्छी कलेक्शन थी इनके पास एंड हमने कुछ पैक भी करवा लिया है जो है आप लोग को कल गिफ्ट्स वाले उसमें दिख जाएगा बर्थडे वाले व्लॉग में। सो यहाँ से हमने गिफ्ट ले लिया है, सो बहुत प्यारी शॉप है। यहाँ पे बहुत सारी सब्जी ली, मैं दिखा भी नहीं पाई क्योंकि ये लोग फटाफट से ले जाके गाड़ी में रख दिए, सो घर पे ले जाके दिखाऊंगी एंड अब ये लोग यहाँ पे खड़े होके गोलगप्पे खाने का आनंद ले रहे हैं बट मुझे कुछ इश्यू है मैं इसलिए नहीं खा पाऊंगी और यहाँ नहीं। होने के बाद लास्ट टाइम पे हमने थोड़ा बहुत बैलून्स का थीम चेंज किया है, सो अभी यहाँ पे हम लोग बैलून्स लेने आए क्योंकि हमने सोचा कि कलर कुछ और चूज करते हैं देन मे बी यहाँ मिल जाए बट यहाँ लाइट नहीं है। सारा काम हो गया था, सारा नहीं हुआ सॉरी, बैलून्स वाला काम हो गया एंड अब रहता है नॉर्मली केक के लिए बात करनी रहती है एंड बात कर ली थी वैसे बट हमने लास्ट टाइम पे कलर चेंज कर दिया है, सो केक वाले पे जाएंगे, पनीर वाले पे जाएंगे, स्वीट्स वाले पे जाएंगे, मतलब कि सारा काम कर देना है आधा। ये लोगों ने मुझे कुछ इस तरह से अड़ा के बिठाया है, यहाँ पे सब्जियाँ हैं, यहाँ पैरों पे सब्जियाँ हैं, मतलब इंसान बैठे तो बैठे कैसे, मतलब कितना ही एडजस्ट पहुँच गए एंड देखो इतना सामान आया है अभी यहाँ पे। हम लोग अभी शाम होते होते गली में आए थे अपने यहाँ पे सबको इनवाइट करने के लिए बच्चों को, सो यहाँ पे मिले थे दीदी जो कि हमारे सारे ब्लॉग्स देखते हैं एंड सारे ब्लॉग्स में लाइक कमेंट तो इनका होता ही होता है एंड होते भी सारे ब्लॉग्स अच्छे हैं। सो दीदी हमारे सारे ब्लॉग देखते हैं, इसके लिए दीदी का तो थैंक यू है, दिल से थैंक यू है। सो आप लोग भी देखा करो यार। सो यहाँ पे हम लोग ने सबको इनवाइट कर दिया, लास्ट में बस दीदी के यहाँ आए क्योंकि यहाँ के हम लोग को पता है कि अब फ्री फ्री है, सबसे पहले कोई ना दीदी के पास लेट भी जाएंगे चलेगा, बाकी को जल्दी बोलना पड़ता है ये अपने है भाई। नहीं पक्का पक्का चलिए, सो चलते हैं अब, थैंक यू दोनों बच्चों को टाइम से रात होते होते हम लोग ने सबसे पहले घर पे खाना स्टार्ट किया। सो आज खाने में हम लोग ने देसी खाना बनाया, दाल चावल चोखा रोटी और पीयू लगे हुए चिकन के साथ, बट मजा आ गया एंड साथ में हम लोग एंजॉय कर रहे हैं बिग बॉस। हम लोग मार्केट से हम लोग अभी देख रहे थे कि क्या क्या आया है, कुछ चीज रह तो नहीं गई, तो देखिए ये सारी इतनी सारी चीजें आई है,
यहाँ यहाँ तक फैली हुई है। ये सैलेड के लिए इतना ज़रूरी था, ऑब्वियसली इतने लोग हैं तो धनिया पत्ता, मिर्च, अदरक, नींबू, पपाया, बैंगन, टमाटर, मटर, फूलगोभी, लहसुन, कटहल, इसमें क्या है आई डोंट नो, मुझे नहीं समझ आ रहा, मटर है शायद, प्याज है, आलू है, जो भी है सब कुछ, जो भी ज़रूरत का सामान था वो सब कुछ आ गया है। सो इसके अलावा और भी चीज़ें वो मैं अभी रूम में जाके दिखाती हूँ। एंड ये देखिए, ये दोनों को सबसे पहले देखना है। ये देखो गाइस, ये सब्जी वाली भी आंटी भी है और ये आधी रात को चिल्ला रही है, सब्जी ले लो, सब्जी पियो, सब्जी ले लो। एंड ये देखिए, पियो कहाँ गए, पियो आइए, वो देखिए क्या हो रहा है किचन में, सब्जी ले लो, सब्जी खत्म। बर्थडे बॉय देखिए यहाँ पे कितना खुश लग रहा है। एंड ये सब चीजें हम लोग आज लेके आए थे, जो भी जरूरत का सामान था ऑब्वियसली यार, बैलून्स भी लेके आ गए हम, हैप्पी बर्थडे का टैग ले आए है, एंड ये सब खाने का सामान है थोड़ा बहुत, मेरी ड्रेस भी आ गई है ऑल्टर होके, एंड एक मैं मंच का डब्बा ले आई थी, एंड ये लेके आए हम, ये भी लेके आए। सो चलिए यार, अब एक्साइटेड गाइज, आप लोग टाइम देख सकते हैं, सो रुद्र का बर्थडे स्टार्ट होने वाला है। कुछ तैयारी है जो कि रुद्र के बर्थडे के लिए, नाइट सेलिब्रेशन के लिए ऑब्वियसली। ये देखिए, ये वाली ड्रेस रुद्र के लिए आई है स्पेशली रेड कलर की, सो हमने इसी के साथ मैच करते करते थोड़ा बहुत पीयू का भी रेड में ले लिया था, रेड एंड ब्लैक में, सो डैडी बेबी दोनों सेम सेम बनने की कोशिश। एंड मैं भी रेडी प्रेफर कर रही हूँ, सो मेरे पास भी रेड सूट था ही, सो मैंने सोचा ठीक है रेड येलो चल जाएगा, मिक्स मैच कर ही लेंगे। चलिए सो जल्दी से तैयार होते हैं, रात के बज रहे 11:30 एंड मेरे बच्चे को होने वाले है पूरे 1 साल कंप्लीट हमारी जिंदगी में आए हुए, सो उसके लिए थोड़ा बहुत लुक चेंज करते हैं फटाफट जाके, एंड थोड़ा बहुत काम है जो भी रूम ठीक कर लेती हूँ, एंड उसके बाद हम लोग केक कट करेंगे। सो आप लोग के साथ तो शेयर हो गई, सो इस ब्लॉग को हम लोग करना चाहेंगे यहीं पे एंड, क्योंकि यही थी आज के रुद्र के बर्थडे की तैयारी, इतनी थी हमारी आज की, बाकी जो बाकी का सामान होगा ऑब्वियसली जो चीज़ें फ्रेश आने वाली होगी वो तो कल ही आएगी, वो पहले लाके कोई फ़ायदा नहीं था, सो कल ही लेके आएंगे ऑब्वियसली। सो इसी के साथ व्लॉग करते हैं एंड, एंड मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि है रुद्र का बर्थडे वाला व्लॉग, एंड वो ग्रैंड होने वाला है, सो आप लोग को देखना बनता ही है गाइज प्लीज़। जिस किसी ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूलो, बिल्कुल भी नहीं बोलना बोलना यार, ये लोग ना मतलब कि पोज देने आए थे स्पेशली। चलिए तब तक के लिए ओके बाय बाय, टाटा टेक केयर एंड गुड नाइट।